और वक्त हो चुका है कुछ स्थानीय खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं अनस सैफी और इस वक्त मैं दिल्ली के सर्वोदय स्कूल कालकाजी में हूं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11,000 नए क्लासरूम बनाने जाने वाली ये मुहिम आम आदमी पार्टी के तहत चल रही है और इसी खास मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अवतार सिंह कालकाजी, जो कि कालकाजी के विधायक हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11,000 क्लासरूम से बने हुए हैं, तो इसका क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम को जो स्टार्ट किया है आम आदमी पार्टी ने? देखो, आज देश में नहीं विदेशों में बात चल रही है कि दिल्ली सरकार ने एक ऐसा कार्य किया है, एजुकेशन को और हेल्थ को आगे लेके आए हैं। तो आज एजुकेशन की बात हो रही है, तो एजुकेशन की बात करेंगे। जहां हम खड़े हुए हैं, ये सारी बिल्डिंग इधर पहले नहीं बनी है अभी, और उसके बाद यहां पे 60 रूम बनने जा रहे हैं, जो टोटल 11,000 जो क्लासेज बन रही हैं दिल्ली के अंदर, यहाँ 60 रूम बनने जा रहे हैं। तो और भी 2-3 स्कूल हैं, उनमें हमारे अपना क्लासें बनने जा रही हैं। तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि ऐसी सरकार आई है जिसने देश की मजबूती के लिए, बच्चों का भविष्य जो है उसको उजागर करने के लिए, जो एजुकेशन है सबसे महत्व है हमारे जीवन का हिस्सा है, हेल्थ और एजुकेशन मेन होती है। तो इसमें सरकार ने जो अहम काम कर रही है वो शिक्षा को लेकर चल रही है। और जो ये आज 11,000 क्लासेज जो उद्घाटन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी, तो इनके पीछे एक अच्छी सोच है। जो पहले प्रगति नहीं हुई, आज जो इतना बड़ा एक झटके से ही काम हुआ है, इसी सरकार ने करके दिखा दिया है। अगर सरकारें चाहे, अगर इंटरेस्ट लें, तो फिर काम होते हैं और बच्चों का भविष्य आज अच्छा होने जा रहा है। दिल्ली कैपिटल है और यहाँ से जब ऐसा हो सकता है तो दूसरी सरकारों को भी मजबूर होना पड़ेगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी को कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो कैसा लग रहा है कि कैसा लगता है कि फ्यूचर कैसा हो पाएगा, कैसा देख पाएंगे फ्यूचर? अगर बात करें बच्चों की, तो कैसा फ्यूचर होगा उनका? ऐसा है ना, वो कहते हैं ना कि एक शेर है, एक वाल है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो रजा अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया ने बता दी है। चाहे कितना भी दबाव डाल लो, ये जो सच्चाई होती है, इसको, ये बॉल होती है, इसको जितना दबाओगे ये उतना निखर के आएगी। तो सच आगे आया बढ़कर, और लोग जान चुके हैं कि जो सरकारों ने, बीजेपी की मोदी सरकार ने पूरा दबाव बना के रखा, ये काम ना कर पाए। पर जब इरादे नेक हों तो उसको कोई, जब देश की आज़ादी हुई थी तो उस वक्त भी लोग उठकर आए थे और देश आज़ाद करवा लिया था। करप्शन की बारी आई तो सरकार एक ऐसी 20वीं सदी की ऐसी सरकार आई है जो करप्शन के मामले में उसने बता दिया भी करप्शन को कैसे रोका जा सकता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज जो बच्चों को एजुकेशन चाहिए वो एजुकेशन अच्छे तरीके से मिल रही है, और अमीर गरीब का जो फ़र्क खत्म हो रहा है, आपस में प्यार बढ़ रहा है। तो ये सरकारों को ये काम करने चाहिए। जब वो लोगों ने शहीदियाँ दी थी, आज उनके मन को भी सुकून मिल रहा है, शहीदों को भी, कि अगर जो सोचा था उन्होंने, आज उनके सपने पूरे हो रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। अच्छा, कैसा लग रहा है कि जो बदलाव की अगर बात करी जाए मैम, तो किस तरह से बदलाव हो सकता है, जैसे पहले के बदलाव में और अब की अगर बात करी जाए तो कैसा बदलाव होगा? पहले के बदलाव और अब के बदलाव में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। जो ये आम आदमी पार्टी आई है, इन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत कुछ कार्य करे हैं, और आगे मैं चाहूंगी कि आगे भी आने के टाइम पे यही पार्टी आनी चाहिए। अच्छा, यही पार्टी आनी चाहिए, बिल्कुल। तो सर, अगर बात करी जाए कि अभी जैसा कि ये बात है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे तत्पर काम कर रही है, कठिनाइयों से लड़ लड़ के काम कर रही है, वहीं रात बीजेपी के नेता विजय गोयल जी ने ये कहा है कि दिल्ली के अंदर अगर कोई सबसे खराब सरकार है वो आम आदमी पार्टी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो पब्लिक बता देगी, 19 भी आ रहा है और आगे भी जो आएगा समय वो भी बता देगी। बड़े एक कहते हैं ना, वो अब क्या कहें उनके लिए कि कौन से शब्द यूज करें, कि इतना मतलब कुछ होने के बाद लोग देश विदेश से लोग क्या देखने आ रहे हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जापान के लोग आए हैं, मलेशिया के लोग आए हैं, बाहर ये 2-3 दिन पहले चेक करने हैं कि यहाँ की कैसी पढ़ाई चल रही है। जहाँ हम जाके ट्रेनिंग दे रहे थे वहाँ बच्चों को, अब वो लोग इधर आ रहे हैं कि दिल्ली के इंडिया के अंदर जाएं और देखें भी कैसी पढ़ाई चल रही बच्चों की। तो ये फ़ख्र की बात है, सब कुछ दिखता है, पर जानबूझ के अगर आंखें बंद कर लेना, वो कबूतर वाली बात है कि आंखें बंद कर। अच्छा, चुनाव चूंकि बहुत नज़दीक है, तो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी किस तरह काम कर रही है चुनाव के लिए? चुनाव के लिए डोर टू डोर चल रहा है और अच्छी कंपेनिंग चल रही है। हम आपस में सबसे मिल रहे हैं, लोगों को जाके घर घर जाके मिल रहे हैं, और लोगों के अंदर अथाह वो क्या कहते हैं एनर्जी है कि एक बार इलेक्शन आने दो तो आम आदमी पार्टी को लेके आना और वोटिंग करेंगे। पर दुख की बात है कि इन्होंने 30 लाख जो वोट काटे गए थे दिल्ली के अंदर, वो हमारे अपना अरविंद जी लगे हुए हैं, उनकी सोच है और वो वापस उनकी वोटें बनेंगी दोबारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक सच्चाई है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो ये बातें जो ये लिखी हुई है ना, तो ये सत्य है,
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, थैंक यू। तो देखा बेसिकली अवतार सिंह कालका जी ने जो बताया है कि आम आदमी पार्टी किस तरह काम कर रही है, और आज का जो बेसिकली ये प्रोग्राम है जो स्टार्ट करा है 11,000 क्लासरूम स्कूलों में बनाए जाने पर, लेकिन कैसे काम करती है आम आदमी पार्टी ये तो आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए मोबाइल न्यूज 24। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं नसेफी, दिल्ली। स्वच्छ भारत अभियान अभी तक आपने होर्डिंग रोड पे लगे हुए बैनर पे देखा होगा, लेकिन आज जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे राष्ट्रीय दिव्यांग सेना की टीम ने जो है आज स्वच्छ भारत को किस तरह से दर्शाया है वो आपके सामने नजर आ रहा है, और साथ ही तिरंगा का जो है उन दीवारों पे बनाया है जहाँ पे लोग अपने पोस्टर को चिपकाया करते थे, अपने एडवर्टाइजमेंट करते थे, क्या वजह थी इनका ये चीज़ करने का और कहाँ कहाँ इनका इस मुहिम आगे बढ़ेगी, आइए हमारे साथ। सर अपना परिचय दिखा है। मेरा नाम बाबा क्रेजी है, सुधीर शर्मा। मैंने हमेशा एक ही चीज़ देखी है, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक बुगी बुगी विनर, डांस डांस विनर, इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं इंटरनेशनल डांस बैटल्स में, और 2015 का मैं क्वार्टर फाइनलिस्ट भी रह चुका हूं इंडियाज़ गॉट टैलेंट का। मैंने एक ही चीज़ देखी कि हम बाहर जाते हैं तो अपने दूसरे देश को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन जब अपने देश में आते हैं तो हम उसका अपमान कर देते हैं। वो कैसे हर जगह जगह पोस्टर्स लगा के दीवारों को गंदा करते हैं, उसकी बदसूरती कर देते हैं। कभी हम लोगों ने अपने बिजनेस को अगर बढ़ाना ही है तो सुंदरता से भी तो बढ़ा सकते हैं, स्वच्छता से भी तो कर सकते हैं। 26 जनवरी कल था, 26 जनवरी पर लोगों ने बहुत तिरंगे फहरा के घुमाया, लेकिन आज कितने ऐसे तिरंगे हैं ना सड़कों पे पड़े होंगे जिनकी कोई इज्जत भी नहीं है। जी ननेलाल जी, आज महासचिव की जगह स्पाइडरमैन बनोगे, क्या मजा आने वाला है? सर देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत और सुंदर भारत और स्वच्छ मिशन के लिए मुहिम चलाई, लेकिन काम नहीं दिखाई दिया, तो राष्ट्रीय दिव्यांग सेना और बाबा क्रेजी ने एक मुहिम बनाई है कि अपने वॉलंटियरों द्वारा एकदम पूरी दिल्ली को स्वच्छ बनाने का एक स्टार्ट जंतर मंतर से किया है। तो दिव्यांग लोगों ने भी प्रण किया है कि हम लोग भी स्वच्छ भारत सुंदर भारत में भाग लेंगे, और कहीं आम पब्लिक से ज़्यादा हम लोग स्वच्छ भारत सुंदर भारत के लिए तत्पर तैयार रहेंगे, ये संदेश देना चाहते हैं। वासुदेव जी, पहले दिव्यांगों को सहारा जी, स्वच्छ भारत अभियान में अपने खुद को हिस्सा लेना कैसा लग रहा है आपको? क्यों, क्या वजह है जो आपको खुद उतरना पड़ रहा है इन सारी चीज़ों के लिए? क्या सरकार इसके सक्षम नहीं है या आप उन्हें मानते नहीं इन चीज़ों को? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। देखिए, हम जो शुरू से भी दिव्यांग प्रति हमारी एक ये रही कि मैं खुद ही दिव्यांग हूँ, इसीलिए दिव्यांग के साथ क्या परेशानी होता है तो मैं खुद ही फील कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं राजनीतिक पार्टी ऊपर कटाक्ष करना चाहता हूँ कि ये आज जब से हमारे देश स्वाधीन हुआ दिव्यांग के लिए कुछ नहीं किए लोग ने, और दूसरी बात सफाई में इसलिए अपने हाथ से करता हूँ, एक तो मैं फिट रहता हूँ सफाई करने से, और दूसरी बात है कि जब सकलांग कर सकते दिव्यांग करेंगे तो सकलांग क्यों नहीं कर सकते? आपके चैनल माध्यम से मैं सकलांग को जितना भी देशवासी उनको बोल जब हम दिव्यांग होकर देश की सेवा कर सकते, तिरंगा का पोस्टर बना सकते, झाड़ू लगा सकते, तो आप तो हट्टा कट्ठा, आप तो आपको तो भगवान ने हाथ पांव दे के रखा, आप भी सफाई में योगदान दीजिए, हमारे देश को सुंदर बनाइए। तो ये अभियान और कहाँ कहाँ चलेगा आगे की? ये पूरा देश भर में चलाएंगे, शुरुआती तो हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में शुरुआती किए जंतर मंतर, ऐतिहासिक जंतर मंतर से, इसके बाद पूरा दिल्ली में हम सफाई अभियान चालू करेंगे और तिरंगा पेंट करेंगे। जहाँ भी गंदगी दीवार देखेंगे वहाँ तिरंगा इसलिए पेंट कर देते हैं, वहाँ ना कोई गंदगी कर सकता ना पोस्टर लगा सकता। पहले तो जंतर मंतर पे रंगारंग कार्यक्रम सेना को लेकर, अभी तिरंगा का कार्यक्रम, क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे दिल्ली वासियों को, वो थोड़ा सा समय बताओ। सबसे पहले गणतंत्र दिवस के सर दिल्ली वासियों को, पूरे देश वासियों को शुभकामनाएं, और आज हमारे राष्ट्रीय दिव्यांग सेना और बाबा क्रेजी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये तिरंगा जो अभियान चलाया जा रहा है जंतर मंतर पर देश के ऐतिहासिक स्थल पर, जो आज माननीय श्री वासुदेव बादल राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अपने हाथों से पूरे दिव्यांग 9 करोड़ दिव्यांगों को संदेश दे रहे हैं कि हमारे द्वारा ये तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है जो कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत एक मुहिम ऐसी है। दिव्यांग साथी भी हमारे चाहते हैं कि हमेशा हर जगह सुंदर हो, स्वच्छ हो, है ना, और स्वस्थ हो। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं राष्ट्रीय दिव्यांग सेना का अध्यक्ष हूँ। हम भी ये चाहते हैं देश में साफ़ सफाई हो, जहाँ भी जाते हैं देखते हैं हर जगह में गंदगी है, हम ये चाहते हैं फिर हर जगह में सफाई है। हम कहीं देखो पोस्ट लगाया भगवान के या किसी चीज़ के पोस्ट है तो भी वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर सकते, क्यों करते? किसी की मजबूरी है, कहीं टॉयलेट नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि हम पूरी जितनी हमारी टीम ये सोचा हम तिरंगा बनाएंगे, क्योंकि तिरंगे का हर किसी को शर्म है, जो कहीं टॉयलेट करेगा तो उसको शर्म आएगी यार हमारा तिरंगा है उसमें क्यों करेंगे, इसलिए हमने दिमाग में सोचा सब दिव्यांगों ने मिल के हम ये बनाएंगे, जगह जगह पूरे दिल्ली में बनाएंगे सफाई हम करेंगे। अभियान की पूरी टीम जो है जो स्वच्छ भारत अभियान पर लग चुकी है, क्या इनका सपना पूरा हो पाएगा? क्या टीवी से निकले हुए स्पाइडरमैन जो आज रोड पे सफाई कर रहे हैं ये तो आने वाला कल आपको बताएगा। फिलहाल कैमरामैन अनस के साथ मैं राज कुंद्रा, दिल्ली जंतर मंतर।
को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ये जो मांगे हैं, अब इन सबको एकजुट करने वाले, यहाँ तक लाने वाले रमेश जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के, इस संस्थान के। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज़ पर। धन्यवाद। क्या मांगे हैं मुख्यतः इसके बारे में? आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पिछले 43 साल से इस बाल विकास पुष्टाहार विभाग में काम कर रही है। इन 43 सालों में अब तक इनको केवल 5,000 रुपये का अल्प मानदेय मिलता है, जो इस भीषण गरीब महंगाई में बहुत ही कम है। सरकार इनको गरीबी की रेखा से भी नीचे रहने पर मजबूर कर रही है। हमारी मांग है, मुख्य मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक केंद्र सरकार में न्यूनतम वेतन विधेयक लंबित है, उसको पारित करा के कम से कम 18,000 इनको मजदूरी, इनको मानदेय वेतन दिया जाए। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आज के समय में अगर प्रोटेस्ट होता है तो सामने की जो पक्ष में सरकारें रहती है वो कहती है विपक्षी पार्टियां करा रही होगी, और आप उत्तर प्रदेश से हैं, मामला काफ़ी हाईलाइट है, आपके मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी हाईलाइट चल रहे हैं, कहीं इसमें किसी पार्टी की चाल तो नहीं है सरकार को घेरने के लिए, चूंकि 2019 का चुनाव? नहीं, हम लोगों का किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो चाहे जिसकी सरकार हो, उस सरकार में हम लोग अपना आंदोलन और धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करके और अपनी मांग पहुंचाते हैं, क्योंकि मांग पहुंचाने का दूसरा कोई लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में तरीका नहीं है। चाहे प्रदेश सरकार पे भी हम लोग धरना देते हैं, उत्तर प्रदेश में जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब भी हम लोगों ने बहुत धरना किया, और अंत में उन्होंने सरकार जाते जाते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 800 रुपये की बढ़ोतरी की थी राज्य सरकार की ओर से। केंद्र सरकार के 5 साल पूरे हो गए, 5 साल में अभी 2 माह पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल 1500 रुपये की आंशिक वृद्धि की है। हमारी सरकार से मांग है इस महंगाई में 1500 रुपये की बढ़ोतरी, अब टोटल इनका 5,000 हो गया है। क्या इस भीषण महंगाई में 5,000 रुपया कोई महिला अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है? कानून तमाम बनते हैं लेकिन उन कानूनों का कोई पालन नहीं हो पाता। समान काम का आपने उत्तर प्रदेश राजकीय आंगनवाड़ी करके अपना संस्था बनाया हुआ है, कई सारी संस्थाएं और आती है उत्तर प्रदेश से इसी मांग को लेकर, इसी जंतर मंतर पर, तो क्या ये सब एकजुट होके एक बैनर के तले अपनी मांगे नहीं रख सकते? अब वो गठबंधन का समय आ रहा है, आप देख रहे हैं राजनीतिक दल जी को हराने के लिए देख रहे हैं आप, पूरा पार्टी एक साथ आ रहा है, केंद्र में भी गठबंधन है, कितने दलों की सरकार है केंद्र सरकार में भी और उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन हो रहे हैं, लेकिन ऐसे दलों से गठबंधन किया जाए जिनमें कोई ताकत हो। अब उन दलों से गठबंधन करने का क्या मतलब जिनके पास 100 आंगनबाड़ी भी नहीं है? हम देखेंगे, विचार करेंगे, अगर कोई मजबूत संगठन हैं जिनको शामिल करने से इनकी ताकत मजबूत होती है और सरकार को हम उस ताकत से मजबूर करने में सफल होते हैं तो उस पर उन संगठनों से। एक सवाल और है आपसे, चूंकि आप इन मांगों को लेकर यहां तक पहुंचे हैं और काफ़ी समय से आप आ रहे हैं, जिस तरह की सूचनाएं हमें मिल रही है, सवाल ये है कि अगर ये मांग, जिस मांग को आप काफ़ी समय से यहाँ लाते रहते हैं और आके सिर्फ भाषण दिया और उसके बाद गए, सरकार ने सुनी नहीं सुनी, अगर इस बार आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करने जा रहे हैं पुरजोर तरीके से? हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर हम लोग, लोकतंत्र में एक ही जवाब है वोट का। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री नहीं, सभी दुखी हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में 16 लाख राज्य कर्मचारी हैं और 17.5 लाख संविदा कर्मी हैं, 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, 1,75,000 शिक्षा मित्र हैं, 1,25,000 बेरोजगार हैं, बीपीएड धारक हैं, रसोइयाँ हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आशा बहुएँ हैं, 17.5 लाख संविदा कर्मी हैं जिनको कोई मानदेय जो मिलता है वो भी नहीं मिलता, मिल रहा है, परेशान है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए उस समय संकल्प घोषणा पत्र में उत्तर भारतीय जनता पार्टी ने लिखित वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 120 दिन के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करेंगे। 120 दिन 4 महीने में पूरे हो गए, 2 साल सरकार को बने हो गए, 1 रुपये की वृद्धि नहीं की, घोर लापरवाही है और वादा खिलाफी है। हम इस लापरवाही की निंदा करते हैं और सरकार और मांग करते हैं सरकार से अपना वादा पूरा कराओ, और अगर सरकार ने नहीं किया, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव में भूमिका निभाएंगी, एक एक गांव में एक एक घर के अंदर जाकर प्रचार करने वाली आंगनबाड़ी
इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है लोकसभा के चुनाव में। उपयोगिता को ये सरकार के खिलाफ प्रस्तुत करेंगी, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा, सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए समय रहते लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और आज 15-20 साल से तमाम ट्रेड यूनियंस की, तमाम असंगठित और संगठित क्षेत्र के मजदूरों की ये मांग रही है कि न्यूनतम वेतन कानून विधेयक पारित करके और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सबको उसमें लाया जाए, और कम से कम इस महंगाई में इनको न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया दिया जाए, तब सबका साथ और सबका विकास का नारा साकार हो पाएगा। क्या संदेश देंगे शॉर्ट में, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संदेश हो आपका कुछ देना उनको? प्रधानमंत्री जी बहुत गरीबों के की तमाम योजनाएं चला रहे हैं, ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, बहुत सी योजनाएं हैं, और आयुष्मान योजना, जिससे गरीबों को लाभ पहुंच रहा है। एक काम और प्रधानमंत्री जी से मेरी मांग है, बड़ी मार्मिक अपील है उनसे, कि वे उत्तर प्रदेश की और देश की जो 28 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आज 43 सालों से काम कर रही हैं, उनका जीवन अगर वो खुशहाल कर देंगे, उनके जीवन में परिवर्तन ला देंगे, इनको न्यूनतम वेतन श्रेणी में लाकर अगर 18,000 रुपया मान दे दें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर उत्तर प्रदेश देश में वो पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए रहेंगे। हम लोग उनका पूरा भरपूर साथ देंगे अगर ऐसा करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24, मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त मैं जदयू कार्यालय में हूं, जदयू कार्यालय के प्रांगण में हम लोग हैं। मेरे साथ आप देख रहे हैं कुंडल सिंह जी हैं। कुंडल सिंह की एक डिमांड है, एक मांग है, जहां एक तरफ ट्रेन 18 की बात की जा रही है जो दिल्ली से वाराणसी तक जाएगी, वहीं इन्होंने पिछले कई महीनों से, कई सालों से इस मांग को रखा है कि राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज सासाराम बिहार स्टेशन पर भी हो। क्या मांग है और आप इस मांग को लेकर तमाम लोगों से मिलते हैं, तमाम नेताओं से मिलते हैं, अभी तक कुछ आश्वासन, क्या संदेश रहेगा आपका इसके लिए? देखिए, मैं 4 साल से इसका संघर्ष कर रहा हूं, और मंत्री से मिलने के बावजूद भी, और स्थानीय सांसद जो छेदी पासवान लोकसभा मीरा कुमार अध्यक्ष को जो चुनाव हरा के आया है, वो 4 लाख वोट से जीत के आया है, वो जाके खुद स्वयं रेल मंत्री से मिलता है। अब मिलने के बाद में मंत्री जी कहते हैं कि 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हावड़ा राजधानी सालदा राजधानी का ठहराव शुरू हो जाएगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि आचार संहिता अब लागू होने वाला है फरवरी के बाद मार्च में, और जनता का चुना हुआ व्यक्ति को वो मांग रहा है तो अपमान किया जा रहा है। पब्लिक से लेकर हर जगह से ही आवाज़ उठ रही है, पूरा शाहबाग से, जो कि 4 गो सांसद चुनाव जीत के आते हैं, अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य मंत्री है बक्सर के, उनका भी 2 गो रोहतास में विधानसभा लगता है, रामगढ़ और आपको बता देता हूँ दिनारा क्षेत्र, और आर के सिंह का थोड़ा मोड़ा आरा में काम हुआ, काम हुआ है ना छेदी पासवान के माध्यम से कोई काम हुआ, जब से पीयूष गोयल आए हैं तब से सासाराम में इनके सिग्नेचर से कोई काम नहीं हुआ है। आने वाला समय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी का जो छवि है, ये छवि को खराब कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गठबंधन में हैं, उनकी भी साथ साथ छवि खराब हो रही है कि गठबंधन में रह के भाजपा के और जदयू के कार्यकर्ता को चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर सासाराम के साथ अपमान क्यों कर रहे हैं रेल मंत्री जी। आखिर हम लोग कई बार मिले, कई बार कहे कि नहीं, आप जब से आए हैं तब से कोई काम हुआ है। सुरेश प्रभु जी विचारधारा के सामाजिक विचारधारा के आदमी थे, हर आदमी का बात सुनते थे, हर सांसद के उनके तरफ से बहुत सारे बात रखा जाता था, उसको काम करके भी दिखाते थे, लेकिन जब से रेल मंत्री पीयूष गोयल जी आए हैं, पद भरण संभारे हैं, अब जाने वाले सासाराम के तरफ ध्यान नहीं दिया गया, एक बार नहीं, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी की तरफ से कोई गाड़ी का स्टॉपेज आज तक ठहराव नहीं हुआ। बरवाडी डेयरी पैसेंजर, धनबाद डेयरी पैसेंजर को कब से कहा जा रहा है कि इसका नोटिफिकेशन करा दिया जाए, प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हो गया, गाड़ी भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, विस्तार नहीं हुआ, जो कि डिहरी ओनसोन में खड़ी रहती है अनुमंडल में, एक चीज़ को सुधार नहीं, एस्लेटर लगा ना लिफ्ट लगा। एक्सप्रेस के लिए इस तरह की बातें आती है कि उनके स्टॉपेज काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग रूट पर कम समय में पहुंचना होता है, वहीं आप ये जो डिमांड कर रहे हैं कि स्टॉपेज दिया जाए। मैं रेलवे से ये भी पूछा, मेरा बात को समझा जाए, मैं रेलवे से ही पूछा कि राजधानी के कौन सा विषय पर स्टॉपेज दिया जाता है, क्या सेल देख के दिया जाता है स्टॉपेज,
कि मतलब उसका दूरी देख के दिया जाता है स्टॉपेज, क्योंकि झारखंड एक छोटा सा राज है, कोडरमा में रुकती है, पारसनाथ में रुकती है, गोमो में रुकती है, धनबाद तो टेक्निकल सारे मतलब मुगल थ्रा धनबाद तो मान लो कि घाट ड्राइवर चेंज होते हैं, धनबाद एक झारखंड एक छोटा सा राज, छोटा छोटा स्टेशन पर कोई पर्यटन स्थल नहीं, कोई धार्मिक जगह नहीं, ससराम एक ऐतिहासिक जगह शेर सासुरी की नगरी से जाना जाता है, और इतना बड़ा पर्यटन स्थल होने के बावजूद भी वहाँ राजधानी का ठहराव नहीं दिया जा रहा है, कहीं में कहीं ये सासाराम के साथ जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है और इसके साथ नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि 4 लाख वोट से जीत के गया सांसद, वो सांसद 3 बार 4 बार आपसे मिला और जब जा रहा है तो कह रहा है कि नहीं राजधानी वहाँ महत्वपूर्ण ट्रेन का स्टॉपेज होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई स्टॉपेज नहीं, राजधानी के अलावा भी बहुत सारे ट्रेन को स्टॉपेज नहीं है वहाँ पर, ससराम के 204 किलोमीटर के दूरी पर गया मुगलसराय है, क्या 100 किलोमीटर पर 30-30 किलोमीटर के दूरी पर गुजरात में, आप चलिए आपको दिखाता हूँ वापी नवसारी वलसाड कहाँ कहाँ राजधानी रुकती है, मैं टेक्निकल चीज़ में मैं बोला भी कि कलकत्ता से जो भी बंगाल से ट्रेन खुलती है मुगलसराय तक बिफोर गाड़ी आके घुसती है, आउटर पर खड़ा हो जाती है, क्या 2 मिनट ससराम के लिए स्टॉपेज मिल जाए तो कुछ नुकसानी हो जाएगा रेलवे के, लेकिन मोदी जी से सबको उम्मीद था, सबको अतु था, लेकिन मोदी जी का छवि पीयूष गोयल जी खराब कर रहे हैं और शाहबाग में पूरा इसका मैसेज जाएगा, हर प्रत्याशी कोई भी प्रत्याशी आएगा वोट मांगने के लिए, उसका चेहरा नहीं है वोट मांगने के लिए, कोई काम हुआ नहीं है मोदी जी के शासन में, ये पीयूष गोयल जी लोकसभा से चुनाव जीत के आएंगे तब आए चुनाव जीत करके तब पता चलेगा कि लोकसभा के चुनाव के क्या, ये तो राज्यसभा से जाकर बैठे हैं रेलवे के काम कर रहे हैं, कोई काम होता नहीं किसी सांसद के लिखने से कहने से, ये क्या मतलब है मेरे को सुनने में। अभी मैं कल गया था कोचिंग में एडवाइजर से मिलने के लिए, तो मैं बोला कि एक गाड़ी का स्टॉपेज हुआ है, क्या हुआ उसका सियालदह अमृतसर वाला का, तो कह रहे हैं कि मंत्री जी बोले हैं कि जो MP अपना डेट बताए कि 15 दिन का कार्यक्रम करेगा उसी दिन स्टॉपेज दिया जाएगा, हम तो मैंने सोचा कि तो पहला बार ये तो सिस्टम निकाला गया कि MP कहेगा तो ये दिन का चाहिए, तो उस दिन तो MP तो लिख रहा है कि 15-25 फरवरी को स्टॉपेज चाहिए हावड़ा सियालदह राजधानी। कुल मिला के अगर इस तरह की ये मांग जो है आपकी वो नहीं पूरी होती है वहाँ पर, तो सासाराम में बीजेपी एक दर्जन एमपी बिहार का 3-3 गो केंद्रीय मंत्री डिप्टी स्पीकर हरवंश कुमार जी पत्र लिख के रिक्वेस्ट कर दिए, आज जनता का चुना हुआ जो सांसद है वो कई बार जाके मिला राजधानी के एक्सप्रेस के लिए ऑन ट्रेन के लिए, लेकिन पीयूष गोयल के रीजन में कुछ हुआ नहीं। अब मेरे को लगता नहीं है कि अब आचार संहिता फरवरी के बाद मार्च में आचार संहिता छोगन तो कुंडल जी का तो कुंदन कुंडल बोला आपने कुंदन बोला तो कुंडल सिंह का आरोप है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल इनकी मांगों को वहाँ के सांसदों की मांगों को जिन्हें जनता ने चुना है मांगों को अनदेखा कर रहे हैं और इसका खामियाजा मोदी सरकार को झेलनी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन हितेश के साथ मैं अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज 24 दिल्ली। तो ये थी कुछ स्थानीय खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।